एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही प्यारे प्यारी एडी ज्वेलरी सेट। लेट मी शो यू सम ग्लिम्सेस ऑफ देम। तो मैंने मोस्टली वैसे तो सारा कवर करने की कोशिश किया है, चोकर सेट्स और ऐसे लंबे लंबे ये सेट्स हो गए, फ्यू इन डिफरेंट शेड्स जस्ट लाइक दिस, और एटलीस्ट 8 to 9 पीसेज मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। तो ये जितने भी एडी ज्वेलरीज हैं ये मैंने मीशो से बाई की हैं। तो अब मीशो से बाय की है तो रीज़नेबल थोड़ा बहुत तो होगी ही, ऐसे थोड़ा नहीं काफ़ी। मैंने इनके प्राइस कंपेयर करके देखे तो काफ़ी रीज़नेबल लगा मुझे, इसलिए मैंने ये मीशो से उठाए हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आप ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना, ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगेगा। आगे वेडिंग सीज़न आएगा तो उसमें आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। अगर आपको एडी ज्वेलरीज पसंद है और एडी ज्वेलरीज वेडिंग में पहनना पसंद है तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस। चलो अभी ये पकड़ा हुआ है तो इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। जस्ट लुक एट दिस प्रिटी एडी ज्वेलरी पीस, काफ़ी प्यारा है। जस्ट लुक एट दिस, कितना प्यारा है ना। सी, अभी मैंने जितनी भी ये ज्वेलरीज मीशो से ऑर्डर की हैं ये काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में आई हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट आई हैं और इंटैक्ट हैं इनमें, मतलब ऐसा कुछ भी टूटा वगैरह कुछ भी नहीं है क्योंकि अच्छे से उन्होंने पैक करके दिया था। तो काफ़ी अच्छा आया है। मैं इनका हॉल वीडियो भी आपको साइड में स्क्रीन पे देती रहूँगी ताकि आपको पता लग जाए कि ये कैसा लगता है वेयर करके। ये इसका नेक पीस है एंड इसके साथ आपको इसमें जब मैंने ये देखा था पिक्चर में तो इसमें मांगटीका नहीं था, बट इन लोगों ने मुझे मांगटीके के साथ भेजा है। लेट मी शो यू, वेट अ मिनट। ये इसके इयर रिंग्स हो गए, लुक एट देम, इनके इयर रिंग्स हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा प्यारे हैं। और यहाँ पे ये है इसका मांगटीका जो कि बहुत ही क्यूट है। जस्ट लुक एट दिस, काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। एंगेजमेंट ब्राइड्स वगैरह के लिए तो ये बहुत ही प्यारा सेट है अकॉर्डिंग टू मी। वैसे काफ़ी लाइट वेट है और काफ़ी अच्छे इसमें जो स्टोन्स का यूज़ किया है, एडी स्टोन्स, वो भी काफ़ी क्यूट लग रहे हैं। काफ़ी प्यारा सेट है और ये सेट मुझे बड़ा था 930 रुपीज़ का, 930। सी, मैंने कई ऑनलाइन स्टोर्स में भी ये सेट देखा है और यूजुअली मैंने दूसरी ऑनलाइन शॉपिंग ऑनलाइन साइट्स में ये देखा तो इसका प्राइस सी काफ़ी ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने ये उठाया क्योंकि मुझे आप लोगों को बताना था कि मीशो में इसका प्राइस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी रीज़नेबल है, 930 रुपीज़ का है और बिल्कुल सेम ही पीस है। तो आई थॉट कि आपको अच्छा लगेगा। तो जितने भी आज मैं प्रोडक्ट्स आपको दिखाऊंगी उनका मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहाँ से आप इनको चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं ईजिली। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट इज़ दिस प्रिटी पर्पल कलर का एडी। इसका भी, इसमें भी जो काफ़ी जो इतना प्यारा एडी का काम किया हुआ है, स्टोन्स का काम किया है, वो भी बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है। स्लीक चोकर टाइप है, ऐसे कुछ में आएगा और काफ़ी क्यूट लग रहा है। जस्ट लुक एट देम, आई होप इट इज़ विजिबल टू यू, ये कितना प्यारा लग रहा है। ये वाइट के ऊपर भी ऐसे रख के कितना क्यूट लग रहा है। और इसके जो इयर रिंग्स हैं वो भी काफ़ी प्यारे हैं, स्क्वायर में हैं दोनों, मैंने कहाँ रख दिए, प्लीज़ अलाउ मी सम टाइम, आई एम अ लिटिल मेस तो थोड़ा ढूंढने में टाइम लगता है। जस्ट लुक एट देम, कितने प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। मैं यहाँ पे हॉल वीडियो डालूंगी तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी क्यूट लगते हैं ये। ओके, जस्ट लुक एट देम, दिस इज द चोकर एंड दीज आर द छोटे छोटे इयर रिंग्स और काफ़ी प्यारे हैं। एंड अच्छा, नाउ गेस देयर प्राइस, प्राइस गेस कीजिए इनका कितना हो सकता है। लेट मी टेल यू, इनका प्राइस है, दिस इज जस्ट फॉर रुपीज 155 रुपीज, 155 रुपीज, कैन यू इमेजिन। अभी मैंने लिखा हुआ पढ़ा तो मैं खुद, क्योंकि मुझे याद नहीं था कि इसका 155 रुपीज है प्राइस, बट जस्ट लुक एट दिस प्रिटी चोकर, वाओ, ये जस्ट मुझे 155 रुपीज में पड़ा है। और काफ़ी सी इसका जो शाइन है, कई स्टोन्स का होता है ना कि शाइन नहीं होता है अच्छा, तो इसका जो शाइन है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इंटैक्ट है। और काफ़ी इसके जो आप चाहें तो इसको किसी और, जैसे आप कभी कुछ ट्रेडिशनल या कुर्ती वगैरह वेयर कर रहे हो इस तरीके की, तो उसके साथ भी आप इनको पेयर कर सकते हैं, कितना क्यूट लगेगा। सी,
इसको अलग से और इसको भी अलग से, इसको आप अलग से वेस्टर्न ट्रेडिशनल जो भी आप ड्रेस पहन सके उसके साथ इसको आप पेयर कर सकते हैं। काफ़ी प्यारा पीस है ये, मुझे पड़ा था 155 रुपीज़ का, और यहाँ पे आप हॉल वीडियो देख ही लेंगे कि ये कितना प्यारा लगता है वेयर करके। ओके एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट परचेज। ओके नाउ जस्ट लुक एट दिस प्रिटी, वैसे तो सारे ही प्रिटी हैं। अभी प्रिटी वर्ड आपको इस पूरी वीडियो में सुनने के लिए मिलेगा, तो प्लीज़ डोंट माइंड। काफ़ी प्यारा चोकर, सॉरी ये चोकर नहीं है, ये लॉन्ग नेकलेस टाइप है और बहुत ही प्रिटी है। ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, आप इसको यहाँ पे पहनेंगे तो ये आपका इतना तक आएगा, जो कि आप यहाँ पे वीडियो में देख लेंगे। काफ़ी प्यारा इसमें वर्क किया हुआ है, ऐसे स्क्वायर में बीड्स हैं, इसमें बहुत ही प्रिटी कटवर्क का वर्क किया हुआ है, फ्लावर्स बने हुए हैं। और मैंने इसको अभी वेडिंग था हमारे यहाँ पे, तो मैंने मेरी कज़न सिस्टर की वेडिंग थी तो मैंने वहाँ पे इसको वेयर किया था, और ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। जस्ट लुक एट दिस, काफ़ी ब्यूटीफुल पीस है। और लेट मी टेल यू द प्राइस। अच्छा, प्राइस से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो मैंने ये चोकर वेयर किया हुआ है ये दूसरा है, और जो ये इसकी ईयरिंग्स है ये इसके साथ के हैं, तो मुझे इन दोनों का पैरअप बहुत प्यारा लगा क्योंकि मुझे गले में भी छोटा सा ही डालना था, तो मैंने ये इसके साथ पैरअप कर लिए। जस्ट लुक एट दिस, यस इसके साथ के हैं दीज। जस्ट लुक एट देम, हाउ प्रिटी दे आर लुकिंग, काफ़ी प्यारे हैं। जस्ट लुक एट देयर शाइन, शाइन भी बहुत ही प्रिटी है इनका। और आप चाहें तो जैसे ऐसे छोटा सा चोकर ऐसे वेयर कर सकते हैं, और इसके नीचे ये, अगर आप इंगेजमेंट के पर्पस से भी अगर ब्राइड टू बी जो है वो पहनना चाहें तो वो भी इसको अगर वेयर करेंगी तो काफ़ी हैवी लुक देगा और काफ़ी प्यारा लुक देगा। तो ये मुझे पड़ा था ओके दिस इज़ जस्ट फॉर ₹876। सी अगर मैं यही चीज़ किसी शॉपकीपर से ख़रीदती या फिर ऑनलाइन साइट से ही क्यों ना ख़रीदती तो ये आराम से 1500 या 2000 के अराउंड, या मे बी 2000 से ज़्यादा ही होता, क्योंकि ये काफ़ी प्यारा पीस है और मुझे मीशो में ये जस्ट ₹876 में पड़ा है। सो वाओ, व्हाट अ ग्रेट डील, जस्ट लुक एट देम, बहुत ही प्यारा पीस है। ओके तो चलते हैं नेक्स्ट परचेज की तरफ। ओके सो द नेक्स्ट पीस इज दिस, दिस वन, दिस इज इन शेड रोज गोल्ड। कई चीज़ों के साथ वैसे रोज गोल्ड भी काफ़ी प्यारा लुक देता है। जस्ट लुक एट दिस प्रिटी रोज गोल्ड नेकलेस, ये भी काइंड ऑफ अ चोकर टाइप ही है, बहुत ही प्यारा है। इसको टाइट हो गया है इसकी वजह से थोड़ा हिल गया। ओके मैं आपको शो करती हूँ, ये कुछ इस तरीके से है, काफ़ी प्यारा इसका, मतलब ऐसा नहीं है कि प्राइस कम है तो कुछ कॉस्ट कटिंग करी हुई हो, बहुत ही प्यारा पीस है। डिस्पोजेबल, लुक एट इट्स चेन, ऐसे ये सर्कल में भी प्रॉपर एडी है, फ्लावर्स में भी एडी हैं, और ये रहे इसके प्यारे से छोटू सी छोटू से इयररिंग्स। क्यूट, छोटू छोटू से बहुत ही प्यारे हैं ये, ज़्यादा छोटी नहीं है, मतलब अच्छे लगते हैं, बहुत ही प्रिटी लगते हैं वेयर करके। मैं आपको दिखाती हूँ, वेट अ मिनट, जस्ट लुक एट दिस, कितना प्रिटी लग रहा है ये भी, ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है, विच इज़ इन शेड रोज गोल्ड, और ये मुझे पड़ा था 549 रुपीज़ में। यस 549 रुपीज़ का मुझे ये पड़ा था, इसमें आपका नेकलेस आएगा एंड दिस एंड दीज ईयर रिंग्स, ये मुझे पड़ा है 549 रुपीज़ में। ओके तो अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, तो नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ दिस वन। नेक्स्ट जो है ये भी काफ़ी प्यारा है, ये सिल्वर में है, दिस इज़ इन शेड सिल्वर, और ये पीस भी आई नो आपने काफ़ी ऑनलाइन स्टोर्स में देख लिया होगा या ऑनलाइन साइट्स में देख लिया होगा,
काफी प्यारा पीस है। जस्ट लुक एट दिस, ऐसे गोल सा छोटू सा चोकर सेट। इसका प्राइस है यस दिस इज़ फॉर रुपीज़ 386 ओनली। काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, काफ़ी शाइनी है, इसके जो ये एडी स्टोन्स हैं काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे आपको इसके साथ ये डोरी भी मिल जाएगी। और सबसे मेन बात कि आज जितनी भी ये सारी परचेज हैं उसमें जो ये डोरी है ना वो ये वाली है, तो इनके साथ क्या होता है कि टूटने का डर नहीं रहता। एक होती है जो यहाँ से बांधने वाली होती है वो जल्दी से टूट जाती है, ये हुक वाली है तो ये थोड़ा अच्छा रहता है, एडजस्ट करते टाइम ये टूटता नहीं है। मैं इसके आपको इयररिंग्स दिखा देती हूँ। दीज आर द इयररिंग्स, जस्ट लुक एट दिस, काफ़ी प्रिटी हैं, बहुत ही प्यारे। आई नो कि आपको सारे ही अच्छे लग रहे होंगे ये, तभी मैंने ऑर्डर किए हैं क्योंकि ये सारे ही काफ़ी प्यारे हैं। मुझे पता था कि मेरी ऑडियंस को ये ज़रूर से पसंद आएंगे। हाँ, इसका मैंने आपको प्राइस बता दिया, दैट इज़ रुपीज़ 386 रुपीज़ ओनली। तो ये भी आप ज़रूर से बाय करना, क्योंकि आप इसको वेस्टर्न हो चाहे इंडियन हो, अटायर हो, कुछ भी पहनेंगे, किसी के साथ भी पहनेंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट ज्वेलरी की तरफ चलते हैं। ओके, विच इज़ दिस वन, जस्ट लुक एट दिस पीस, लुक एट दिस, हाउ प्रिटी इट इज लुकिंग, प्रिटी डिसेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि ओवर हो जाए, काफ़ी जो अपकमिंग वेडिंग सीजन है आप इसको साड़ी के साथ वेयर कर सकते हैं, लहंगे के साथ वेयर कर सकते हैं, किसी भी ओकेजन में अगर आप इनको वेयर करेंगे। जितने भी आज मैंने आपको ये पीसेस दिखाए हैं ये काफ़ी प्यारे हैं और काफ़ी अच्छे लगने वाले हैं। आई एम श्योर इसके साथ आपको सिल्वर थ्रेड मिलेगा, एंड इसके जो ये इयररिंग्स हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा प्यारे हैं। ये आपको वीडियो में अच्छे से पता चल जाएगा कि ये वेयर करके कैसे लगने वाले हैं, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। दिस प्रिटी इयररिंग्स काफ़ी ज़्यादा प्यारे हैं आई मस्ट से। और ये मुझे पड़ा था, यस दिस इज जस्ट फॉर ₹585, 585 रुपीज़ ओनली। तो 585 में तो लिटरली एडी में कुछ भी नहीं आता। एक स्लीक चोकर की भी अगर हम बात करें या शॉप्स में देखें तो वो भी नहीं आते हैं। दिस इज जस्ट वाओ, कितनी क्या बोला मैंने इसका प्राइस, यस 585 रुपीज़। तो बहुत ही रीजनेबल प्राइस है फॉर दिस वन। इसमें इतना प्यारा, इतने बड़े बड़े एडी स्टोन्स का वर्क किया हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी ऑथेंटिक पीस लग रहा है, उसके लिए तो ये प्राइस बहुत ही कम है। आपको तो ये ज़रूर से बाय करना चाहिए। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द अनदर परचेज। सो दिस इज़ इन शेड बेबी पिंक। मैंने काफ़ी सिल्वर ऑर्डर कर दिए थे, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक डिफरेंट शेड में भी ऑर्डर किया जाए। दिस इज दिस वन, वेरी प्रिटी पीस विच इज़ इन शेड बेबी पिंक। काफ़ी प्यारा है ये तो, और इनके प्राइस भी काफ़ी 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 ज़्यादा अच्छे हैं। जस्ट लुक एट दिस, वाओ, ओह माय गॉड। अच्छा, लेट मी टेल यू इट्स प्राइस। जब आपको ये इतना पसंद आ रहा है तो इनका प्राइस भी मैं आपको साथ में बता देती हूँ। यस, बेबी पिंक दिस इज जस्ट फॉर ₹981 ओनली, ₹981। ये है इसके क्यूट से इयर रिंग्स विच इज़ इन बेबी पिंक एज वेल। इसमें भी अच्छा खासा एडी स्टोन का वर्क किया हुआ है, काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। अगर मैं आपको इसको बैक से भी दिखाऊं, जस्ट लुक एट दिस प्रिटी पीस, इसको अच्छे से हाथ में रख के दिखाती हूँ मैं आपको। जस्ट लुक एट दिस, वाओ, ओके। रेस्ट आपको वीडियोस में तो दिख ही जाएगा, ये प्यारा सा पीस कितना क्यूट लगता है वेयर करके। एक बार मैं आपको इसको ऐसे भी वेयर करके दिखा देती हूँ ना, बहुत प्यारा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इनका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना बिल्कुल ना भूलें। अब फिर आप बोलेंगे कमेंट सेक्शन में कि लिंक कहाँ है, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। स्टिल अगर कुछ मुझसे मिस हो जाए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कोई भी चीज़, साइज इशू या जो भी आप पूछें, तो आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरीज देयर।
ओके, अब कुछ बचा या सिर्फ हो गए खत्म? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ओके, लास्ट जो बचा है वो ये है व्हिच आई एम वेयरिंग हियर. दिस पीस इज वेरी प्रिटी, वेरी ब्यूटीफुल. और ये रहे इसके इयररिंग्स. मैंने आपको बताया था ना ये वीडियो के स्टार्टिंग में कि ये जो मैंने पीस, ये जो पहना है, ये दूसरे एडी ज्वेलरी के साथ का था, एडी नेकलेस के साथ का, जो लंबा वाला था. तो ये जो हमारा स्लीक चोकर है, इसके साथ का जो पैर है वो ये वाला है इयररिंग्स का. जस्ट लुक एट दिस प्रिटी इयररिंग्स, बहुत ही प्यारे हैं. ये भी इसके साथ काफ़ी क्यूट लगेंगे, बट मुझे ये वाला अच्छा लगा था इसके साथ वेयर करने के बाद, तो मैंने ये डाल दिया. बट स्टिल दे आर ऑल्सो प्रिटी. जस्ट लुक एट देम. जो इसमें डिज़ाइन है सेम वही इसमें किया हुआ है. अच्छा, तो ये जो है पीस, ये मुझे पड़ा था 833 रुपीज़ का. वर्थ प्राइस है अकॉर्डिंग टू इट्स, वेट, ओके, नहीं, आई जस्ट थॉट, मुझे ऐसा लगा कि ये निकला हुआ है. नो, बट इट इज़ फाइन. अच्छा है, काफ़ी प्रिटी पीस है. इसका भी मैं जो हॉल वीडियो है वो स्क्रीन में यहाँ पे साइड में डाल दूंगी, जो आपको पता चल जाएगा कि ये वेयर करके कैसा लगेगा. तो ये वेयर करके मैंने आपको दिखाया ही हुआ है. अच्छा, आपको जो भी पीस पसंद आए आप पक्का से वो बाय कर लेना. वैसे मैंने अभी देखा था बीच में कि जो इनके प्राइसेस हैं वो काफ़ी मतलब फ्लक्चुएट हो रहे हैं, कम भी हो गए हैं कुछ पीसेस के प्राइस, और कुछ पीसेस के प्राइस आई थिंक सो 20 to 30 रुपीज़ बढ़ भी चुके हैं. तो दिस इज़ माई अर्ज फॉर यू, फ्रॉम यू ऑल, कि इससे पहले कि ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाए या फिर इनका प्राइस ज़्यादा बढ़ जाए, उससे पहले आप इनको ले लीजिए. क्योंकि ये सारे के सारे पीसेस जो है वो वर्थ बाइंग है. काफ़ी रीजनेबल प्राइस है इन सब का और काफ़ी प्रिटी है. ऐसा मैंने आपको अभी वीडियो के बीच में बताया कि ये प्राइसेस कम है, डजन मीन्स कि कॉस्ट कटिंग कहीं पे भी थोड़ी सी भी नहीं करी हुई है उन लोगों ने. काफ़ी अच्छी प्राइसेस प्राइसिंग रखी हुई है, काफ़ी अच्छी पीसेस हैं, बहुत ही अच्छे डिज़ाइन हैं. और आप रेस्ट, वैसे तो जितने भी मैंने चेक किए मीशो में सेट्स, मुझे ये सब प्यारे लगे, बट रेस्ट अगर आगे भी और भी अच्छे पीसेस आएंगे तो वो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर से लेके आऊँगी. बट उस चीज़ के लिए आपको मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब करना होगा. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो इफ़ यू फील कि ये इन्फॉर्मेटिव था. और आज के वीडियो में आपको सबसे प्यारा चोकर कौन सा, आई मीन कौन सी प्यारी, कौन सा सबसे प्यारा एडी ज्वेलरी लगी, एडी नेकलेस कौन सा लगा जो कि सबसे प्यारा था, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना. और आप कौन सा बाय करेंगे इन सब में से वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर से बताना. और बाय बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर.